नमस्कार। एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th की आज हम इसका एक बेसिक समझने जा रहे हैं। ये टेबल आपके बच्चों बहुत काम आएगा। आइए देखते हैं। यदि दो रैखिक युग्म हो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा रैखिक युग्म हो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यदि इस प्रकार से हमें दो रैखिक युग्म दिए हों तो हमारे पास तीन अलग अलग तरह की कंडीशंस हैं। इसमें पहली है यदि a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर ना हो। दूसरी है यदि a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के और वो बराबर हो c1 बटा c2 के, यानी कि ये x और y और ये एक्स वाई और यहाँ जो बिना एक्स वाली रकम है, तीनों के जो शून्यक हैं, सॉरी तीनों के जो गुणांक हैं, यदि वो आपस में उनके रेशियो बराबर हो, जैसे a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के और वो बराबर हो c1 बटा c2 के, या फिर एक तीसरी कंडीशन ये है कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 के तो बराबर है लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। तो ये तीनों केसेस में किस प्रकार की रेखाएं होती हैं और उनके आगे कितने हल हो सकते हैं, इसके बारे में हम इस टेबल में पढ़ेंगे। सबसे पहली जो कंडीशन है बच्चों वो ये है, यदि a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये कैसी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं का मतलब ये रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती होंगी। जैसे इस वक्त आप ये दो स्केच पेन देख रहे हैं, यदि आप इनको दो रेखाएं माने तो आप देख पा रहे हैं कि ये इस एक बिंदु पर ये दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। ऐसी रेखाओं को कहा जाएगा प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है। और बच्चों हमने अभी एक्सरसाइज 3.1 में भी पढ़ा था, 3.2 में भी पढ़ा था कि रेखाओं का हल कौन सा होता है, वह बिंदु जिस पर वे रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो क्योंकि ये दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर, सिर्फ एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसलिए इनका होगा केवल एक हल, वो अद्वितीय होगा, यानी उसका वो किसी और के बराबर नहीं होगा। अभी हम इसको बाद में बताता हूं मैं। ठीक है बच्चों, याद रहेगा, दोबारा देख लो। a1 बटा a2 यदि b1 बटा b2 के बराबर नहीं है तो कैसी रेखाएं होंगी? वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। वह जो रैखिक युग्म होगा वो प्रतिच्छेदी रेखाओं का होगा और वो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्योंकि एक बिंदु पर मिलेंगी, इसका मतलब हम ये मानेंगे कि उसका केवल एक अद्वितीय हल है। अब यदि हम दूसरी कंडीशन देखते हैं, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और बराबर है c1 बटा c2 के, तो ये कैसी रेखाएं हैं? संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं बच्चों कैसी होती हैं? यदि एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर बिल्कुल इस प्रकार से हो कि वह बिल्कुल एक दूसरे के साथ हर बिंदु पे टच करते हो तो ऐसी रेखाओं को कहा जाता है संपाती रेखाएं। ठीक है बच्चों, ये हैं संपाती रेखाएं जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल चिपकी हुई है एक दूसरे के ऊपर। अब देखिए ध्यान से बच्चों, यदि ये संपाती रेखाएं हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये संपाती रेखाएं हैं, तो हमने कहा था इनके कितने हल होंगे? जितने बिंदुओं पर रेखाएं मिलेंगी। अब ये तो एक दूसरे के साथ ही चिपकी हुई हैं, एक दूसरे के बिल्कुल साथ टच हो रही हैं, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 अनगिनत बिंदु होंगे जिन पर ये एक दूसरे को टच कर रही होंगी, प्रतिच्छेद कर रही होंगी, क्योंकि इनके अनेक बिंदु हैं इसीलिए इनके अनेक हल हैं। याद है ना आपको, जितने बिंदुओं पर रेखाएं मिले उतने उस रैखिक युग्म के हल होते हैं। तो यह तो संपाती रेखाएं हैं, ये तो अनेक बिंदुओं पर ऐसे मिल रही हैं, इस प्रकार से मिल रही हैं, तो अपरिमित रूप से अनेक हल। यदि संपाती रेखाएं हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है बच्चों। प्रतिच्छेदी रेखाएं इस प्रकार से एक बिंदु पे टच हो रहे हैं तो एक हल। संपाती रेखाएं इस प्रकार से
बहुत सारे अनेक बिंदुओं पर टच हो रहे हैं, इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल। तीसरा कंडीशन है ए वन बटा ए टू बराबर हो बी वन बटा बी टू के, लेकिन सी वन बटा सी टू के बराबर नहीं हो। ठीक है, ए वन बटा ए टू बी वन बटा बी टू के तो बराबर हो, लेकिन सी वन बटा सी टू के बराबर नहीं हो। तो हम ये कहेंगे कि यह कंडीशन किस तरह की रेखाओं की है, समांतर रेखाओं की। बच्चों, समांतर रेखाएं कैसी होती हैं? इस प्रकार से होती है ना, जो एक दूसरे से बराबर दूरी पर हो, एक दूसरे को कभी टच ना करती हो, कभी एक दूसरे से मिलती ना हो, ऐसी रेखाओं को कहा जाता है समांतर रेखाएं। ठीक है बच्चों, और एक सेकंड, ये हिली जा रहे हैं बच्चों बार बार। ये यदि मान लो ऐसे हैं, ठीक है, ये समांतर रेखाएं, क्योंकि ये एक दूसरे को कभी टच नहीं करेंगी। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि ये एक दूसरे को मिल ही नहीं रही, तो हल कितने होंगे? क्या कहा था, जितनी बार रेखाएं एक दूसरे को टच करें, इंटरसेक्ट करें, प्रतिच्छेद करें, उतने हल। ये तो समांतर हैं, हमेशा एक दूसरे से बराबर दूरी पर रहेंगी, इन ये कभी एक दूसरे से मिलेंगी ही नहीं, तो इसका हल भी नहीं होगा। देखो, समांतर रेखाएं, कोई हल नहीं। क्यों हल नहीं? क्योंकि ये आपस में मिलती ही नहीं। ठीक है बच्चों, अब समझ आया? एक बार फिर से देख लो प्लीज, एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहला है ए वन बटा ए टू यदि बी वन बटा बी टू के बराबर ना हो, तो वो होंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं इस प्रकार से, जो एक दूसरे को टच करती हो, क्रॉस करती हो, इंटरसेक्ट करती हो, और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसलिए एक हल है। ठीक है, दूसरी कंडीशन है ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू बराबर सी वन बटा सी टू, ये होती हैं संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर हों, अगर आप माने तो इस प्रकार से, चाहे इस प्रकार से। और आप देख रहे हैं, यदि ये बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर हैं, तो ये अनेक बिंदुओं पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, क्योंकि अनेक बिंदुओं पर एक दूसरे से टच कर रही हैं, इसलिए इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और तीसरा है बच्चों, यदि ए वन बटा ए टू बराबर हो बी वन बटा बी टू के, लेकिन सी वन बटा सी टू के बराबर ना हो, तो ये किसकी कंडीशन होती है? समांतर रेखाओं की। किसकी कंडीशन होती है? समांतर रेखाओं की। समांतर रेखाएं इस प्रकार से होती हैं, जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, एक दूसरे को कभी टच नहीं करती, ऐसी रेखाओं को समांतर रेखाएं कहा जाता है। और क्योंकि ये एक दूसरे को टच नहीं करती, इसीलिए ऐसी रेखाओं को हम, इनका कोई हल नहीं होता, क्योंकि एक दूसरे को टच ही नहीं करती। अब अगला जो है, अगला टॉपिक है संगत रैखिक युग्म या असंगत रैखिक युग्म। रैखिक यानी जिसकी पावर वन हो, युग्म मतलब जोड़ा। तो ऐसा जोड़ा जिसका कोई हल निकलेगा वो संगत, जिसका हल ना निकले वो असंगत। अब देखो, यहाँ पे एक हल निकलेगा ना, तो संगत। अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब हल तो है ना, यहाँ भी हल निकल रहे हैं, यहाँ भी हल निकल रहे हैं, यहाँ एक हल है, यहाँ अनेक हल है, तो ये भी संगत, ये भी संगत। लेकिन जो समांतर रेखाएं हैं, जो आपस में नहीं मिलती, जहाँ कोई हल नहीं है, वह असंगत रैखिक युग्म। ठीक है बच्चों, अब आपको कभी पूछ लिया जाए, आपको दो रेखाएं दी हो, 2x+3y-4, 5x+6y-8 बराबर 0 बराबर 0, आपसे पूछा जाए बताओ ये प्रतिच्छेदी हैं या नहीं, संपाती हैं या नहीं, समांतर हैं या नहीं, तो आप ए वन बटा ए टू बी वन बटा बी टू सी वन बटा सी टू निकालोगे। फिर देखोगे यदि ए वन बटा ए टू बी वन बटा बी टू के बराबर नहीं आया, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, यदि तीनों बराबर आए तो संपाती रेखाएं, यदि तीनों बराबर नहीं आए, सिर्फ ए वन बटा ए टू बी वन बटा बी टू के बराबर आया लेकिन सी वन बटा सी टू के बराबर नहीं आया, तो समांतर रेखाएं, यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो एक हल, यदि संपाती रेखाएं हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल, यदि समांतर रेखाएं हैं तो कोई हल नहीं, यदि हल आ गया तो संगत संगत, यदि हल नहीं आया तो असंगत। आशा करता हूं ये टेबल, जिस प्रकार से मैंने ये दो स्केच पेन लेकर, इनके अलग अलग तरीके के उदाहरण देकर आपको समझाया है, ये टेबल आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लगी, समझ आई, तो कृपया
मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।